इंडस्ट्री से एक शॉकिंग खबर आ रही है। दिग्गज मराठी एक्टर कॉमेडियन अतुल परचुरे का निधन हो गया है। उन्होंने 57 की उम्र में आखिरी सांस ली है। मराठी के साथ साथ हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने वाले अतुल परचुरे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। हालांकि कैंसर पर काबू पाने के बाद उन्होंने फिर से जोश के साथ काम करना शुरू किया था और कई मराठी शोज में अपनी भूमिकाओं से दर्शकों के दिलों पर राज किया। लेकिन उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। वो कैंसर के बाद होने वाले शारीरिक समस्याओं और कमजोरी से जूझ रहे थे। खबरों की माने तो उन्हें फिर से कैंसर की बीमारी ने घेर लिया था। अतुल अपने पीछे अपनी माँ, पत्नी और बेटी को छोड़ गए हैं। उनके अचानक इस दुनिया को अलविदा कर चले जाने से परिवार गमगीन है और फैंस के बीच मातम छा गया है। अतुल परचुरे के जाने से मराठी के साथ साथ हिंदी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को भी एक गहरा झटका लगा है। वो कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी नाइट शो पर भी अपनी कॉमेडी का तड़का लगा चुके हैं। इसके अलावा वो कॉमेडी सर्कस, यम है हम, आरके लक्ष्मण की दुनिया जैसे कई हिट सीरियल्स कर चुके हैं। एक्टर ने हाल ही में अपने नए थिएटर प्ले सुयाची पिल्लई की अनाउंसमेंट की थी। अतुल ने हिंदी सिनेमा में भी कई अहम किरदार निभाए थे। वो शाहरुख खान की बिल्लू, सलमान खान की पार्टनर और अजय देवगन की ऑल द बेस्ट में भी अपनी कॉमिक टाइमिंग से हर किसी का दिल जीत चुके हैं। इसके अलावा अतुल ने सलामे इश्क, कलयुग, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और खिचड़ी जैसी कई फिल्में की हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एक्टर अतुल परचुरे के निधन पर शोक जताया। सीएम ने मराठी में एक्टर के लिए अपनी फीलिंग्स बयां की और बताया कि वो एक्टिंग के कितने बड़े महारथी थे। सीएम ने लिखा, तेज तर्रार एक्टर की असमय विदाई, कभी दर्शकों को हंसा रहे हैं तो कभी भाव में चढ़ा रहे हैं। हमेशा अंतर्मुखी रहने वाले क्लासिक अभिनेता अतुल परचुरे की असामयिक मृत्यु दुखद है। अतुल परचुरे ने अपने शानदार अभिनय करियर की शुरुआत बच्चों के थिएटर से की थी। उन्होंने नाटक, फिल्म और धारावाहिक तीनों ही क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। चाहे वो तरुण तुर्क, मात्रे अर्का, नाटी गोटी या पू जैसे नाटक हो, चाहे वो देश पांडे की मौखिक गीतात्मक कॉमेडी हो, अतुल परचुरे ने अपने जन्मजात गुणों से इसमें गहराई जोड़ दी है। उन्होंने मराठी और हिंदी फिल्मों में भी बेहतरीन किरदार निभाए हैं। उनके जाने से मराठी ने एक कालजयी अभिनेता खो दिया है। इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। परचुरे के हजारों प्रशंसकों में से एक के रूप है मैं परिवार का दुख साझा करता हूँ। भगवान उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। राज्य सरकार की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति।